हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो में आए होंगे तो एक ही चीज़ देखकर आए होंगे, इसका थंबनेल देख करके। और ये वीडियो मैं स्पेशली तैयार कर रहा हूँ सीजी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और जो कि अभी हाल ही में 2022 में थोड़ी सी एक झलक देखने को मिली थी कि मे बी आ सकता है एग्जाम करके। तो इसके पर्पज से मैं थोड़ा सा आइडियाज देने के लिए और कुछ आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और ये सीजी सेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं खुद ही सीजी सेट एग्जामिनेशन में बैठा था और वहाँ पे क्वालिफाई हुआ हूँ। तो मुझे कुछ नज़रिया है, कुछ नॉलेज है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ, और यदि आप मेरा नॉलेज थोड़ा सा लेना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। और आपको इस वीडियो से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर फायदा होने वाला है और आपके तैयारी में वो बूस्टअप करने वाला है। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, सबको ये रहता है कि मैं भी एग्जामिनेशन की तैयारी करूँ, तो ये एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या 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 पैटर्न होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कट ऑफ होती है, और कैसे एग्जामिनेशन में हमको थोड़ी सी अपने मोरल को रखना चाहिए, इन सारी बातों को मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ और टेंटेटिव डेट्स की भी यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो मुझे होप लग रहा होगा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो आपके स्पेशली सीजी सेट के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर का कटिंग रखा है और इस पेपर के कटिंग में आपको क्लियरली कट पता चला होगा। अभी हाल ही में लगभग लगभग 1.5 महीने पहले एक वीडियो वीडियो बोलता हूँ शायद पेपर में एक आया था, थोड़ा सा लिखा गया था उसमें कि 2 साल बाद फिर होगी राज्य पात्रता परीक्षा। कई लोग इसको बहुत लाइक लिए थे, कई लोग इसको सीरियस भी ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेम केस हुआ था 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी सेम केस हुआ था। पेपर में आया था, कुछ महीनों बाद इसका नोटिफिकेशन भी आ गया और नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम भी आ गया। तो ये आ चुका है तो इसको आपको लाइक नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। तो हालांकि आपको पता होगा 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है 6/2013/17/18/19 में पेपर हो चुका है। हमारे यहाँ सीजी सेट का जो एग्जामिनेशन है वो प्रत्येक ईयर कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सालों बाद होती है। कुछ कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह, तेलंगाना, वहाँ पे हर साल सेट की एग्जामिनेशन होती है। तो हमारे लिए जो भी एग्जाम होती है 1 साल 2 बाद, वो हमारे लिए वो एक तरह से वरदान ही होती है। तो मुझे लगता है कि तैयारी करनी चाहिए। और चूंकि आप पीजी की पढ़ ली हैं तो आपको देने में कोई हिजक होनी नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये परीक्षा होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, कंटेंट देखो डियर स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे दोस्तों जो बने भी होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेंट रखा है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या होता है। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है इस एग्जाम में बैठने के लिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न को भी जानना होता है। दूसरा, उसका बाद अगला है कट ऑफ। चूंकि मैं केमिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं केमिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। और थोड़ा सा बात मैं जरूर करूंगा सिलेबस 1 के बारे में, सिलेबस जो कि पेपर 1 का। और जैसे मैं पेपर की कटिंग डाला हूँ तो आपको जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया टेंटेटिव एग्जाम कब हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है इसका एग्जाम में भी फरवरी में चला जाएगा, जनवरी या फरवरी में चला जाएगा, और एग्जाम का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ सकता है, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट है। मेरा जैसे जैसे नजरिया है, 3-4 पेपर को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि ये पेपर होने वाला है और आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए और बेझिझक बने रहिए, आपको जरूर सफलता मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एज लिमिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, आप एग्जाम के लिए ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है। हालांकि आप कई स्टूडेंट्स तो अभी मास्टर डिग्री में होंगे, उनके एज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाते रहते हैं लेकिन उनका उम्र निकलते जाता है। तो उनको बता दें यदि आप सीजी के रहने वाले हो तो आपके लिए एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका एग्रीगेट 55% होना चाहिए। एग्रीगेट जो परसेंटेज है 55, यदि आपको जनरल के हो, यदि आप कैटेगरी में आते हो जैसे ST, SC, OBC, PWD, तो आपका PG में 50% भी है तो आप एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हो। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आता है और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि इसमें वही कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल पाएंगे जो लास्ट ईयर में है, मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में है, अर्थात वो या तो तीसरे सेमेस्टर में है या तो चौथे सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एलिजिबल नहीं है तो मुझे लगता है कि BSc के कैंडिडेट भी इसमें एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कट मेंशन कर दिया गया है। तो जो बच्चे मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर फाइन इसमें CG सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको दोनों सेमेस्टर 3 या 4 सेमेस्टर में होना चाहिए या तो दोनों को क्लियर कर चुका होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एग्ज़ाम का पैटर्न, और ये एग्ज़ाम का पैटर्न एग्ज़ाम का जान होता है, कोर एरिया होती है। तो यहाँ पे हमारा जो CG सेट का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 पेपर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होती है उसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 होती है जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट होती है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो होती है 200 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर होता है, और इसमें सबसे पहले बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि 50 को यदि 2 से गुना करोगे 100 नंबर, और 100 को 2 से गुना करोगे 200 नंबर, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता है या नहीं पता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में पेपर होगा, लेकिन इन दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा समय रहेगा। देखो, या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले पेपर हुआ था 10 से 11 पहला पेपर हुआ था, उसके बाद लगभग 2 घंटे का गेप था, उसके बाद पेपर 2 होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों पेपर में आपका एक पर्टिकुलर टाइम गेप रहेगा ही, हो सकता है 1 घंटे का भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो पेपर 1 है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये है कि पेपर 1 में ना आपको 50 क्वेश्चन पूछने वाला है, और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है तो उसके लिए केवल 60 मिनट टाइम, 1 घंटे का टाइम, और उस 1 घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। और 50 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने हैं तो आप दिमाग लगाइए, आप जब पेपर हॉल में बैठे हैं आपके पास 1 घंटे का समय, तो बहुत सारा तो इनविजिलेटर आप पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह फिल करने में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास केवल 45 मिनट बचते हैं, उस 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हो सकता है आपका स्पीड देना पड़े आपको, तो कुछ क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो क्लियरली कट मेंशन है कि पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यदि आप बाय द वे आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो आप बिल्कुल गोला लगा के आइए, और गोला लगा के आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन ठीक भी हो जाए, लेकिन आप छोड़ के बिल्कुल मत आइए, मेरा ये सजेशन रहेगा। अब पेपर 2 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैं पेपर 2 के लिए क्या करूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 के लिए सबसे पहले तो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2017 का पेपर हुआ, और 2018 का पेपर हुआ, और 2019 का पेपर हुआ। 2019 का जब पेपर हुआ ना, तो उसमें जो पैटर्न आया था वो बिल्कुल नेट के पैटर्न से आया था, यानी जो बच्चा नेट की तैयारी किया रहा होगा उसको ऐसा लगा होगा कि यार चलो बहुत अच्छा आया, क्योंकि पहले जो पेपर आती थी 2017, 2018 या 2016 की बात करें, उस पेपर में ना कोई ये नहीं होता था, मैं आप फॉर्मूला लगा दो, आप जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो नहीं बनेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी बहुत बढ़िया दिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा है, आपको नेट के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा, तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपको। तैयारी करते समय बिल्कुल नेट के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, हो सकता है 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर से आ जाए। पिछले समय की मैं बात करूं तो लगभग 18-19 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आए थे, तो हो सकता है इस समय आने वाले समय में 20 क्वेश्चन आ जाए, 25 क्वेश्चन भी आ जाए, प्रीवियस ईयर से आने वाला है। उसके बाद दूसरा है कि आप
बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर को भी पढ़ें, उसके बाद आईआईटी जेएम को भी पढ़ सकते हैं, टेट को भी पढ़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छा आपके एग्ज़ाम की तैयारी होगी। तो यहाँ पर आपका 150 नंबर का पेपर, सॉरी 150 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, आपको मैनेज आप ही को करना है। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखा हुआ पेपर कट, ये भी कटिंग है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। यहाँ पे पेपर नंबर 2 में देखो, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पहला जो कट ऑफ है, पहला जो कट ऑफ है जनरल का, उसमें दिख रहा होगा क्लियरली कट, तो 49.29%, 49.29%, 40 पॉइंट, ये लगभग लगभग 50% बोल सकते हैं आप, 50%, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा, यानी इससे मान से चलो कि 300 नंबर के पेपर में आपको 150 नंबर पाना ही पाना है। ऐसे ही ओबीसी को आप क्लियर देखेंगे तो थोड़ा सा 5% कम है, यानी 10 नंबर कम, यानी जिसका 140 नंबर लगभग आएगा वो पेपर में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाउंड्री लेवल पे नहीं जाना है, लगभग लगभग 160 170 80 नंबर आ जाए ऐसा तैयारी करना है। एसटी का देखेंगे तो 41.81% है और एसटी का 38.38 39%। यहाँ पे इसमें भी आपका गवर्नमेंट का रिजर्वेशन फॉलो होता है और गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के थ्रू आपको नंबर ऑफ सीटें मिलती है। तो लगभग, जैसे एक चीज़ और बता दूँ, इसमें कैंडिडेट कैसे क्वालिफाई होते हैं, तो कैंडिडेट्स टोटल ओआरऑल कैंडिडेट्स का लगभग 6% को क्वालिफाई करते हैं। मैं बता दूं, यदि एग्ज़ाम में 100 लोग एग्जाम, यदि आप सिटी सेट की एग्ज़ाम में बैठे हैं, केमिकल साइंस में 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें केवल 6 लोगों को वो क्वालिफाई करेगा, 6 लोगों को क्वालिफाई करेगा, 94 स्टूडेंट्स को वो डिसक्वालीफाई करेगा। आप समझ सकते हैं रेशियो कितना कम है। और उसमें से 6 लोग जो हैं, उसमें से भी उन लोगों को क्वालिफाई करेगा जिनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, मेरे ख्याल से 15% है, 15% 15% मार्क आपको दोनों पेपर में लाना ही लाना है। यदि आपका एक पेपर बहुत अच्छा जाता है, पेपर नंबर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, और पेपर नंबर 1 एकदम बेकार जाता है, तो ये मान के चलिए आप उस पेपर में एपीआर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसने क्लियरली कट मेंशन करके रखा है कि आपको पेपर नंबर 1 में भी क्वालिफाई होना है और पेपर नंबर 2 में भी क्वालिफाई होना है। इसलिए होता क्या है, कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि वो पेपर नंबर 1 को बहुत लाइकली ले लेते हैं, पेपर नंबर 1 की तैयारी करते नहीं है, तो उसके कारण जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। जनरली मैथ्स में देखने को मिलता है ऐसा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत कम कैंडिडेट लोग हैं जो क्वालिफाई होते हैं। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड थोड़ी सी रखी हुई है जिसको मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया था पहले। सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा, सिलेबस कैसे है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जहाँ तक मुझे इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आइडियाज पेपर से मिला है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे पेपर बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 1 के लिए कौन सा बुक पढ़े, किसी किसी की क्वेरी रहती है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक जगह बुक का आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाने के लिए लाया हूँ। आप देखिए थोड़ा सा, ये वाला बुक खरीद सकते हैं, अरिहंत का पहला नंबर, अरिहंत का बुक है पहले पेपर के लिए, शिक्षण और शोध अभिरुचि करके है, इस वाले बुक को आप खरीद सकते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, और नहीं आता भी है तो आपको आइडियाज हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये बुक खरीद लीजिए आप, बिल्कुल नए पैटर्न में आपको बिल्कुल हेल्प मिलने वाला है पहले पेपर में। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो मैंने अभी पहले बताया था आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो चुकी तो आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप साइंस वाले हैं तो साइंस का, और यदि आप नॉन साइंस वाले हो तो नॉन साइंस के पेपर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद मैं अपने तरीके से आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो मैंने आपको, आपके हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक ना टेलीग्राम चैनल डिज़ाइन किया है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री अकेडमी, CSIR नेट गेट सेट। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब आप इस चैनल को सर्च मारेंगे तो आप दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उस चैनल में मैंने क्या किया है, जितने भी प्रीवियस ईयर के IIT जैम गेट और नेट के पेपर है और कुछ अच्छे बुक्स हैं उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं
और हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाने के लिए मैंने ये चैनल डिज़ाइन किया है। आपको कहीं किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे बुक्स और कंटेंट को वहाँ पर डालने की कोशिश की है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ और, यदि फ्यूचर में ये जल्दी एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक क्या करूँगा, लैपटॉप प्रोग्राम चलाऊँगा। लैपटॉप प्रोग्राम ऑनलाइन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसी मोबाइल के थ्रू आप देख पाएंगे, लैपटॉप प्रोग्राम चलेगा, ऑनलाइन टीचिंग होगी, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं उसी वे पे पढ़ पाएंगे, तो एक हेल्प हो जाएगा उस आने वाले समय में। अब मैंने क्या किया है, इस वीडियो के अंतिम में थोड़ा सा एक और बात करने की कोशिश की है, वो बात है आपका सिलेबस। देखो सिलेबस की बात करें फर्स्ट पेपर की, इस वीडियो में ना स्पेशली पेपर वन की बात करूँगा, कंसर्न सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा। पहला बात यह है कि आपका जो सी जी सेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें पेपर वन का जो सिलेबस है 2018 में जैसे था, उठा के 2019 में भी वैसे ला के रख दिया है। तो चाहे आप 18 का डाउनलोड करो चाहे 19 का डाउनलोड करो, सेम टू सेम दिखने वाला है। हाँ, मैं एक चीज़ और कह दूँ कि ये आपका सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसने सिलेबस को पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो एक्सपीरियंस जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, और रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, पाँचवें नंबर में रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल एंड एनवायरमेंट है, और उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो जो जितने भी पॉलिसी हैं हमारे हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च किए हैं, बच्चों के लिए क्या स्कीम लॉन्च किए हैं, कब लॉन्च किए हैं, इनको सारे डिटेल्स को आपको पढ़ना होगा, पेपर नंबर वन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट तो हिंदी में होते हैं, उनको हिंदी में ज़्यादा समझ आता है। हालांकि मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको एक नज़रिया देना चाहता हूँ कि इस पेपर नंबर वन में आपको 10 टॉपिक पढ़नी है। अब सोचो आपका पेपर वन 1 घंटे का पेपर होने वाला है, उसमें से मैंने बोला है कि गिने चुने 15 मिनट आपको काटना पड़ेगा, 45 मिनट का पेपर होने वाला है, उसमें 10 टॉपिक को पढ़नी है, और उस 10 टॉपिक्स में आपको प्रत्येक टॉपिक को भी क्लियर करना है ना, ऐसा नहीं है कि एक को पढ़ लिए तो हो जाएगा, आपको सबको पढ़ना है। तो देखो पहला नंबर शिक्षण अभिक्षमता है, अनुसंधान अभिक्षमता है, अध्ययन बोध है, संचार है, तर्क है, युक्ति संगत तर्क है, सूचनाओं का विवेचन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आप यदि बीएड की तैयारी किए होंगे तो उस दरमियान आपको पढ़ने को मिला होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ना पेपर नंबर वन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्व करूंगा भी। तो पहले आप क्या कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में उस पेपर वन का डिस्कशन करके डाल दूंगा, आप पेपर वन का वीडियो देखिएगा, उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर क्रिएट हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। उसके बेस पे आप लोग ना क्या कीजिएगा, पेपर का इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइएगा और निकाल करके अंडरलाइन करके पढ़िएगा, बहुत बहुत क्लियरली समझ आने वाला है। अब आने वाले समय में मैं 2017, 2018, 2019 और से कुछ रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं जो आपको टफ लगता है आप मुझे बताएंगे इस कमेंट में, तो मैं ज़रूर उसको पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन केमिकल साइंस के तीनों ईयर का आपको सोल्यूशन मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसका मैं आपको क्लियरली कट वादा करता हूँ। आप इस वीडियो के बेस पे आपको आने वाले नोटिफिकेशन को भी मिलती रहेगी, तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी एस्पिरेंट आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा जिससे उनको फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे आपको धन्यवाद, इस वीडियो को आप ये मान के चलिए कि आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। आने वाले समय में मैं केमिकल साइंस के ऊपर और पेपर नंबर वन के ऊपर वीडियो तैयार करने वाला हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबको धन्यवाद।